की है। आज पहली बार देखी बार जी, यही चैलेंज था चाचा टप्पू भैया। जब मिली थी नजर से नजर, मैं तुझे प्यार करने लगा, सारी दुनिया को मैं भूल कर तेरे नजदीक आने लगा। तो राजे हक छुपाता था, कुछ ना बोल पाता था। अरे कुछ ना बोल पूछना कि इस छोटे से बच्चे ने जो गीत गाया है उसका जवाब क्यों नहीं लेकर के आए। और सुनो चैलेंज है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, 6 दिन में ले आना तो भी बन जाऊंगा। हाजी मर गयो बेटा रो रही कसम को, अरे मां तो अर्जुन खत्म हो गया था, बब्बर बाल ने अर्जुन को मार दिया। जब आए के कुंती मां कौनी गुरु कुंती है वो रो रही थी आगे। अब तुम ही बताओ बाको बेटा पर रो रही के कसम पर रो रही। बेटा जन्म आज एक लिखैया कर रो आए गो, जन्म एक लिखैया कर रो आए गो, पकड़ ले भैया टोते हो। हाँ बैस कह रहे हैं, कह रहे तुम तो पुराने के भैया, हम तुम्हारा मान सम्मान करते हैं है? और सबसे पहले आके जीने छेड़ी के ना है कहो मिश्र माँ की लुगाई तो। अरे लुगाई को झटका नहीं गिलेगो। सुन लल्लू अभी तक तेन झटका देखो आदमी ने को, और आज जा जनता के सामने बेटा ओम वीर की लुगाई को ऐसा झटका के तो पर झलेगो नहीं, तेरी तो चलाई का तेरे काउ की ना कोई उसने ना दे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, देखे जवाब इधर से ज्यादा कुछ न कहते हुए क्योंकि नकी तो वैसी हालत खराब है। आकाश बाबू ऐसे खाना नहीं चलता है, गाल बजाने से नहीं चलता है। डेढ़ डेढ़ सुर के गवैया तू बनो अगाई पे कर रहा है, आवाज मुंह से ना निकल रही है वो ना तू गाने का बैरो है, ये कभी नहीं गा सकते। गाना गाने के लिए तो बेटे गजबर का कलेजा चाहिए। देखे साहब इधर से, और या जो रहेगी तेरी मैं नहीं, आज रहेगी तेरी और कोई मैं नहीं, और जब तक अरे चाहे जावे वो प्रभा, ईमानदारी से गाऊंगा जो भी गाऊंगा, और मुझ पर इनका अगर कोई जवाब नहीं आएगा तो मैं वो रसिया वाला नहीं हूं, मैं मंजूर कर लेता हूं कि मुझ पर जवाब नहीं हुआ, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, गलत नहीं गाऊंगा। तो मैंने छंद शुरू किया है, छंद पर पहली बार ही मैंने अर्री ताली बजवाई, एक एक बात खोल कर ले लाया। और दूसरी बार तुम तो चलाई के, अब मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं भाई, छंद मेरा दूसरी बार भी लड़ रहा है और सभी लोग सुनेंगे छंद को। टेढ़ी टेढ़ी बातें चलती लल्लुआ,
तक तेरी नजरे ना हो किसन की, तेरी नजर ना हो किसन की, तेरी नजर नहीं हो किसन की, तब तेरे दिन भी नहीं आते, तेरे दिन भी नहीं आते। और नरेश भैया आप जवाब देखना मेरा, ये आप लोगों का आशीर्वाद है सभी का। तेरी नजर नहीं होती कृष्ण की तो तेरे दिन भी नहीं आते, और भक्त सुदामा फिर दौड़े दौड़े, भक्त सुदामा दौड़े दौड़े फिर देख द्वारे पार। टेढ़ी नजर ना कृष्ण की होती तो टेढ़े दिन भी नहीं आते, और भक्त सुदामा दौड़े दौड़े पुरी द्वारका। सही बात है नहीं साहब? देख ऐसे होता है चंद्रना। सारी दुनिया की कहावत है ये, मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को, अरे तू मैंने आज लभेड़ो है, कर होए कृपा ऊपर वाले की तो तुप बार होए ना। गाता है बड़ा अच्छा गाने वाला है। हाँ भाई टप्पू भैया कैसा लड़ रहा हो चल जिनके भीतर तक जा रहे हो? अरे अरे देख, अरे कोई मैंने आज लभेड़ो है, कर होए कृपा मुप कोटा
तो पे बाल हो तेरी भटक गई है और दे अरे बुद्धि तेरी भटक रही है और तेरी मेरी लड्डू गोपाल की देख लड़ा कहो कैसी हालत है मेरी यार मौका वही चल रही है प्रभु कृपा से बच्चे जिंदे लौट आए जवाब सुनेंगे सभी लोग रविंद्र भाई अभी चार दिन पहले दंगल हुआ था आपके गुरु से बड़े भैया रामवीर जी से और हमारे ब्रज के मशहूर गायक आप लोग जानते होंगे दलवीर ब्रजवासी जी के गांव में हुआ था। अच्छा कितने लोग गए थे वहां देखने? बहुत लोग गए थे यहां से। नरेश भैया भी गए थे वहां पे। 16 तारीख को दंगल हुआ है बड़े भाई रामवीर जी से नरेश भैया उन्होंने भी इसी गीत को गाया था और जनता जनार्दन का इतना प्यार मिला था इसी गीत पर दूसरे नंबर पे दंगल आर पार हो गया था हमारा। रामवीर भाई ने घर से लिख करके गीत गाया लेकिन आप लोग जवाब सुनेंगे रविंद्र भाई आप भी मजबूर हो जाओगे तालियां बजाने के लिए कि हाँ जवाब हुआ था। सुनेंगे लिखा है चाचा हो सेटिंग बाजी देखें आप केक लिखा है किसी ने कहा है किसी से ना कहना लगे चोट दिल पे तो खामोश रहे। अब देखिए एक मुसलमान की लड़की और कहने लगी वहां पर फंसी हुई है वो जब यूक्रेन में एक मुस्लिम महिला फंसी हुई है और उधर हमारे भारत के छात्र लौट करके वापस आ रहे हैं गुरुदेव और जब लौट करके छात्र वापस आ रहे हैं तब वो तिरंगा झंडा लेकर के भैया बैठ जाओ याद सताती है तड़ तड़ पाती है याद तुम्हारी पल पल मुझको आती है आती है। अब सुन लेंगे प्यार से। हाँ भैया अरे टूट गए अरमान चढ़ के आयो शैतान मोनो धार के चले गए राष्ट्रपति अपना मोनो धार के चले गए राष्ट्रपति अपना मोनो धार के चले गए और हर देश में विदेशी वीर विदेश के भी रहते थे वहां पे जैसे हमारे भारत के आज निकल के आ रहे हैं जैसे और देश के भी रहते थे हर देश के विदेशी वीर छोड़ अपनी जागीर अपनी तकदीर आज हार के चले गए तकदीर आज हार के चले गए अपना तकदीर आज हार के चले गए
जितना हाथ में होगा वो वहां से निकल के जा सकता है। इसीलिए वो मुसलमानी औरत कहने लगी कि हमारी तो कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है। क्यों? अरे अरे इनके करारे बार खाऊ पाछी लेना माल नसीब है जो हमारी रक्षा हमारे पुलिस वाले और फौजी फौजी भाई कर रहे हैं। एक बार छोटा ताली बजाएंगे इन दोनों के लिए क्योंकि हमारी रक्षा घर में बैठ के हो रही है। आज अगर ये नहीं होते, सुन बेटा एक बात मुझे याद आई, हम सब भारतवासी की जीवन भर हम दुख सहते लेकिन फिर भी मौज नहीं होती। और हम कभी सुरक्षित नहीं रहते जो बॉर्डर पे फौज नहीं। हेलो कहना है अरे इनके करारे बारे का ऊपर हिले न मार और मंत्री भी मन मार के चले गए। रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए। रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए। और यहाँ पे पुलिस वाले भी देख रहे हैं इस दंगल को और ये हमको गर्व है कि हमारी रक्षा के लिए आप एक फोन कर दो 112 नंबर पर। भाई साहब वो अपने खाने पीने को नहीं देखते हैं लेकिन हमारी तुम्हारी रक्षा करने के लिए दौड़े 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 चले आते हैं। पर जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सब लोग। तो ऐसे वीरों के लिए जोरदार ताली बजा भैया। अरे इनके करारे बार का ऊपर झिले न मार और रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए। रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए। वो रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए। और हमारे देश के देखिए पुलिस वाले कैसे हो रहे हैं। अरे रक्षा मंत्री भी मन मार के चले गए और अरे छोड़ अपने घर पर फौजी और थानेदार हाथों से हथियार वो महिला कह रही है। जब इस सीन को यूक्रेन में देख रही है पाकिस्तान की महिला हमारे देश में रह रही है। बड़ी बुरी हालत है। आज फौजी और पुलिस वाले भी हाथों से हत्या डार के चले गए। फौजी और थानेदार और हाथों से हथियार डार के चले गए। जब पाकिस्तानी महिला ने और एक हिंदुस्तान के फौजी से ऐसे शब्द कहे कि भैया तुम्हारे लोग तो और तुम्हारे यहाँ के छात्र तो तिरंगा लेकर के अपनी जान बचा करके जा रहे हैं वापस, लेकिन हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमको कोई ले जाने वाला नहीं। तो देखिए उस फौजी का भाव प्रकट हुआ उस एक पाकिस्तान की महिला के लिए। तो वो फौजी क्या बोला उस महिला के लिए कि देख जा तो सकती है लेकिन एक शर्त तुझे मंजूर करनी होगी। तो देखेंगे वो शर्त कौन सी है। और प्यार चाहूंगा अगर इनके गीत का जवाब आपको पसंद आए। हे भैया मेरी रक्षा करो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मुझे यहाँ से बचा के ले चलो। यूक्रेन में तो सबसे रूठा खुदा है। यूक्रेन में तो सबसे रूठा खुदा है। सोनू मोनू
हेयर कटिंग सैलून, ये 501 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। यूक्रेन में हमसे झूठा खुदा है। तो वो कहने लगा फौजी एक तरीका है तुझे निकालने का यहाँ से, कि कौन सा तरीका? तो सभी लोग सुने दे। यूक्रेन में तो सबसे रूठा खुदा है, मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले, मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले, मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। और प्यार चाहूंगा अगर आपको लाल पसंद आए तो मेरे संग तू भी अपनी जान को बचा ले। केवल एक ही तरीका तेरे लिए यहाँ से जिंदा लौटने का। और प्यार चाहूंगा अगर लाल पसंद आए तो मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। और दा, अरे मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। और दा, भारत का तिरंगा अपने हाथ में, देखिए हमारे लाला पहलवान जी लस्सी वाले हनुमान अखाड़ा 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। उस्ताद लोग हैं, खलीफा लोग हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। अरे जगे जगे म्यूजिक बजते और हर इंसान मचलता है, और आज का मौसम हमने देखा क्या क्या रंग बदल। तिरंगा करेगा ये तेरी हिफाजत, तिरंगा करेगा ये तेरी हिफाजत, तिरंगा करेगा ये तेरी हिफाजत। भारत के बच्चों को मिली है दोस्तों, यहाँ बैठे जितने भी भारतवासी हैं, अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा हो, अगर आपको अपने देश के झंडे पर घमंड गर्व हो रहा हो, तो एक बार मेरे साथ सभी जयकारा लगा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है, भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है। ऐसा केवल एक मेरा ही भारत देश है, चाहे कोई भी नफरत करे, लेकिन मेरा देश हर किसी से प्रेम भाव करता है। भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है। और
मिला लेना। सुने जब आवाज में हारने के में करंट आ जाए का कर लो पर तो। अरे पीले पीले रे बकरिया को दूध अच्छा अरे अरे पीले पीले रे बकरिया को दूध गला रो तेरो हरे हरे का लारो तेरो खुल जा। बैर गाई मैंने इधर से कौन सी तो कोई जवाब नहीं कोई लड़ा करके नहीं लाई अपनी आया था एक तरह से आया था गुरु जी इधर से गाई थी मरवाए मरवाए के भरी ना तैयारी ही को तो साफ सीधी बात है हमारे गुरुजी ने आप लोगों को बताई हुई थी कि होली का माहौल चल रहा है और हिरण्यकश्यप से डायरेक्ट बात हो रही है कि तुमने बहन बुलाई मरवाई बेकू और इधर से आकाश बाबू आप क्या ला रहे थे सुन ले बेटा। अरे मोटे लड़वे देखिए इतने प्रेमी हैं ये भैया जो कह रहे हैं कि केवल तुम्हारी खातिर मैं दिल्ली से आया हूँ रसिया देखने के लिए कम रुपए के पुरस्कार दे रहे हैं। इधर से गाए थे मोते लड़वे कू बनवासी भालू बंदर लाए और लंका के अंदर आए। अब मैं यूं समझना लेखक कौन सो तुम्हारे अंदर जबई जबई के रामायण से लड़ रही है बह रहे लिहाज कर चिड़ी मोए चामरिया बा मेरी चिड़ी मोए चामरिया बा और जे और जे रबड़ी लच्चे तार कला कंद जे पूरा को अब मैं ही सुन ले जो कह रहो छोरा जो कह रहो भांग खाए के रो मुड़ शर्मा तो कछु हो सो तूने देख सुन भांग खाने से तो बहुत कुछ होश रहता है और तू आई है बेटा कौना वृंदावन में तू 15 दिन में इतने कमा मत होगो एक दिन की भांग में इतना दाम लग जान तो और सुन दाम बादाम सुन ले 85 रुपया को पौआ तो कहे जे रसिया में बेटा कबू काम ना कर लो देख ले जा छोरा करेगा चाचा और माल खाओगे तब बेटा ये मान ले देख ले अब सुन दे अगर मैं बांगई खामा तो बेटा ऐसे रसिया नहीं आ तो इस बात को तो ये जनता भी जान रही है क्या करे फिर दादा अरे अरे पकड़ी पकड़ी ना हम पकड़ी पकड़ी ना मेरे भैया ये पकड़ी पकड़ी ना पकड़ी ना अधर्म की कबहू लीक लीक कौन कह रहा है इस बात को पहला कह रहा है बिल्कुल पकड़ी पकड़ी ना अधर्म की कबहू लीक पर मरवाए दे जे भेन बोला बुलाइए मरवाए बे को ज्यादा शौक लग रहा
मारा भाई बे पूजा तू सांप लगे रहो चौं करना कसम तो बार बार उसको मारने की कोशिश कर रहा है तो कहने लगा पहला मर भाई में को ज्यादा सौ को लग गया तो आगे बढ़ के आओ और देख मर भाई हार जाओ पर कबू मार मूलचंद शर्मा जी क्या रुपए देते हैं आशीर्वाद का ना जी तो देख अरे अरे मेरी आत्मा वो हरि के आज सटी और देख दूसरी कहानी अबहू अरे अबहू भूल जाओ पिताजी मेरे जो हुआ सो हुआ अरे अबहू भूल जाओ पिताजी मेरे जो हुआ सो हुआ और जो हुआ सो हुआ के सुपार परिणत मरवाई बे बुलवाई लई अब मरवाए वे दोबारा भूल जाओ तुम मेरे पिताजी जो हुआ सो हुआ के सुपार परी न तो मरवाए वे बुलवाए नहीं अब मरवाए रे कुभे ने बोला बोलाई आप लोगों को जवाब पसंद आ रहा था अब देख लें देखिए एक फरमाइश आ रही है एक फरमाइश आ रही है सीता जी वाले गीत की अगर आप लोगों की इच्छा हो जाए तो सुनवा दूं हैं देखिए आप लोगों को दो राउंड पे आनंद भी खूब दिया हैं अब दो राउंड ऐसे सुन लो कि जिससे आप लोगों को ये भी लगे कि भाई देखिए मनोरंजन भी खूब हुआ चस्कीले गीत भी खूब हुए अब बढ़िया बढ़िया बात है अगर तुम मेरी मानो तो बढ़िया बढ़िया बात सुन लीजिए क्योंकि देखिए आनंद बहुत हो गया है लेकिन ऐसे गीत सुनाऊंगा मैं वो बात होती रहेंगी सब गुरु वो सब चलता रहेगा गुरु गुरु जी सीता जी का सुनो ये एक अच्छा गीत और सुना था लगाइए लगाइए गुरुदेव मेले में होंगी नाक मैं फिल्म में होंगी
तुझे बेशरम बे हया कर कहूं तो ये मेरी शराबत की तो ही। एक गीत गाया करते थे अशोक शर्मा जी, विषम पिता से वीरों के छक्के ना छुड़ा दूं तो अर्जुन के तीरों की तोहीन होगी। विषम पिता से वीरों के छक्के ना छुड़ा दूं तो अर्जुन के तीरों की तोहीन होगी। तुझे आज अरे तुझे करण आज में धूल न चटा दू, तुझे आज करण में धूल न चटा दू, द्वापुर के वीरों की तोहीन हो। दोस्तों बेटा केवल इस बच्चे को ज्यादा समय गाते गाते नहीं हुआ है, और आप फर्क साफ देख रहे हैं। किसी भी कलाकार को माइक पे आ जाने तो सभी बराबर के जोड़ से हैं, ज्यादा दिन बच्चे को नहीं हुए, और इधर भाई साहब को लगभग 10-11 वर्ष रसियाबाजी करते करते हो गए, लेकिन फर्क बच्चे से नाप लो आप, और किसी से तो नापोगे क्या। हाँ जी चाहे तो हमारे तो कोको कोला दे रहे, अब लंबो केला घुस रही है ना घुस रही है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, ना अपनी कबर है ना दिल की कबर। तेरे इश्क का मुझ पे ये भी गीत हमने चाचा जी रामायण में से लिया, और गुरु ने लिखा। गुरुदेव गीत आपने सुना होगा, मिलन आखिरी है आज हमारा तुम्हारा सीता जी वाला, वो भी होगा एक गीत नया बिल्कुल, और अब निकाल करके लाए और सभी लोग सुन। देख कर रघुकुल की मैं शान हूं, ये रघुकुल की मैं शान हूं, बोके गई कहने लगी जब मंत्रा उससे सब बात कह गई कि तुझको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और श्री राम का तो अभिषेक हो रहा है और तुझे इस महलों में नहीं रहना पड़ेगा, तो केकई कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं राम का अभिषेक होने नहीं दूंगी, राम को महलों से बाहर वनवास में भेज के रहूंगी जब कुछ भी हो जाए। अरे रघुकुल की मैं शान हूं ना समझू अंजाम, और अरे अपने पति के नाम को ना होने दू बद, अपने पति के नाम को नहीं होने दू बदनाम। अब मंत्रा इतनी बात कह के निकल जाती है वहां से, अब केकई सोचने लगी अकेली बैठ के, मन में विचार कर रही है। देख अरे अरे बुद्धि मेरी शुद्ध भईली तो अनुरुद्ध भई, सच्चाई को आज गाढ़ घेर गई है मंथरा, सच्चाई को आज गाढ़ घेर गई है मंथरा, सच्चाई को आज गाढ़ घेर गई है मंथरा। अरे समझ आई मैं बार बार इतनो बढ़ायो प्यार, बोल आज मुझसे टेर टेर गई है मंथरा, बोल मुझसे आज टेर टेर गई है मंथरा, बोल मुझसे आज टेर टेर गई है मंथरा। सत्य बोल गई राज सब खोल गई, अरे अरे सत्य सत्य बोल गई राज सब खोल गई, और चक्कर में आज भोकू गिर गई है मंथरा, चक्कर में आज मोए गिर गई है मंथरा, चक्कर में आज मोए गिर गई है
अच्छी बात गाओ लेकिन जनता की समझ में आनी चाहिए। देखियो ताली अच्छी बातों पर भी कितनी बजेंगी। अरे चक्कर में आज मोकू गेरी गई है मंथरा और बड़ी अनजान में आज आई ध्यान में आज मेरी बुद्धि को फेर गई है मंथरा। आज मेरी बुद्धि को फेर गई है मंथरा। क्या लगा ताग लगा ताग मेरा छूटे ना छूटे। कहने लगी के कई मन में सोच रही है बैठी बैठी है बैठा लगा ताग मेरा छूटे ना छूटे मगर राम का राज होने ना दूं। हो लगा ताग मेरा चाहे छूटे न छूटे मगर राम का राज होने न दो। अगर मेरा पिया मुझसे ये जनता बोलेगी अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो रूठे मगर चैन से आज सोने। अगा ताग मेरा छूटे न छूटे से रूठे तो रूठे मगर चैन से आज सोने। पहले गीत को सुनना पहले गीत को सुन लेना सुन ले भैया। लगा ताक मेरा छूटे तो छूटे अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो। हाँ बेटा अब और ये इस गीत पर खुश होकर के ये होती है कलाकार की पहचान। चाहे एक रुपया इनाम का 21 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई रामवीर जी के शिष्य हैं हमारे कुलदीप राघव जी 21 रुपए का पुरस्कार कलम पर और गीत पर प्रसन्न होके देते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा तालियों से स्वागत करेंगे। जो अब तक छुपी बात आगे बढ़ेगी सुबह ताज की जब जरूरत हो सुबह ताज की जब जरूरत पड़ेगी। क्यों पंचों में बात कोई चाहे कहीं भी बदनाम हो जाऊं मैं लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों अरे पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे गुरुदेव पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे हो करके मोहताज रोने ना। पंचों में बात कोई फूटे तो फूटे हो करके मोहताज रोने न दो। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे मगर राम का राज होने न। माँ
कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती तो उस राम को करती थी। ये अंदर की बात है, आप बताइए उस माँ पे जब क्या बीत रही होगी जब अपने बेटे को वनवास दे दिया। क्यों अंदर से रो रही है कैकेयी लेकिन मुख से और आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर अपने मन मन में घुट रही है। हो माना भरत है मेरा दुलारा, माना भरत है तो मेरा दुलारा, देख माना भरत है मेरा दुलारा, मगर राम तो मेरी आंखों का तारा, मगर राम भी मेरी आंखों का तारा। अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, क्योंकि कैकेयी जितना प्यार भरत को करती थी उतना ही प्यार भगवान राम को करती थी। क्यों अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, रघुकुल की कुल की लाज खोने न, अगर प्रेम बेटा से टूटे तो टूटे, रघुकुल के कुल की लाज खोने न दो, लगा दाग चाहे मेरा छूटे न छूटे, मगर राम का राज होने न दो। जे किच्चो आटे वाले अखाड़े से भैया 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आशीर्वादी कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भैया जी का। अरे ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, ऊके का जमाना मैं खुद जानती हूँ, खुद मानती हूँ, मुकट राज का। ये हमारे गुरु हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे ऐसे गुरुओं के लिए। मैं बड़े हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुओं के दर्शन होते हैं, कोट कोट प्रणाम करते हैं गुरुओं को। तो अरे ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, मुकट राज का राज में जान। क्यों उस कैकेयी को और दशरथ को और बाली को मालूम था कि असली मुकट कहाँ पे है, और किसी को नहीं मालूम था। इसलिए उस भगवान के सिर पे अगर नकली मुकट लग जाता तो बताओ हम तुम उन्हें भगवान क्यों कहते? कभी नहीं कहते, क्योंकि कैकेयी खुद सोच रही है इस बात के बड़ा अनर्थ हो जाएगा जब नकली मुकुट और रखा जाएगा सर पे, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्यों कि असली मुकुट तो केवल कैकेयी को और दशरथ को ही पता थी कि असली मुकुट किस जगह पे रखा हुआ। ऊके का जमाना मैं खुद मानती हूँ, मुकट राज का राज में जानती हूँ, ऊके का जमाना खुद मानती हूँ, मुकट राज का राज में जानती हूँ, सजावट के कर दूंगी इस अयोध्या में, बड़ी बड़ी लाट लग रही है, बड़ी बड़ी सजावट हो रही है, सजावट के कर दूंगी झूठे ये पूठे, सजावट के कर दूंगी झूठे ये पूठे, मैं अप
अपना अंदाज सजोने न दो। क्यों? अब समय को देखते हुए लास्ट बंद राम ने खुद के कैसे ये मांगा था, मुझे वनवास दे दे माँ, खुद मांगा था जे अंदर की बात है गुरुदेव। और गुरुओं ने क्या लिखा, ये गहराई की बात है। अरे रुसबाइयों का पड़े जाम पीना, रुसबाइयों का चाहे पड़े जाम पीना, रुसबाइयों का चाहे पड़े जाम पीना। ये गीत अच्छा लग रहा भैया, तो एक बार थोड़ा ताली बजा दो लिखने वाले के लिए। और देखिए 51 रुपए का पुरस्कार और ये माला पहना करके हमारे उपाध्याय जी यात्रा से चल करके आए, स्वागत किया है इन बच्चों का। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, अरे अरे रुसबाइयों का पड़े जाम पीना, बैरग के गुल सन को खिला दूंगी दीना, बैरग के गुल सन को खिला दूंगी दीना। गुरुओं से ज्ञान नोहबत लूटे तो लूटे, गुरुओं से ज्ञान नोहबत लूटे तो लूटे। ये कविता मेरे गुरु बाजा बजा रहे हैं नौबत सिंह कुशवाहा, इन्होंने ये कविता को सजाया है बड़े भाव से। देखिए ये हमारे उस्ताद हैं, बाजा भी बजा लेते हैं और कविताएं भी कर लेते हैं, तो ऐसे उस्ताद लोगों का स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से। नोहबत से ज्ञान कोई लूटे तो लूटे, गुरुओं से ज्ञान नोहबत लूटे तो लूटे, शर्मा का सुख साज भिगोने न दो। लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, मगर नाम का राज होने न दो। अगर मेरा पिया मुझसे, अगर मेरा पिया मुझसे लूटे तो लूटे, मगर चैन से आज सोए